क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। देखिए साइन 75 को, 75 को मैं ब्रेक कर लेता हूं, तो साइन 75 को मैं लिखूंगा साइन 45 प्लस 30, ठीक है ना, क्योंकि साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, इसी तरह कोस 45 और कोस 30 की भी वैल्यू पता है। तो 45 को मैं ए मान लेता हूँ और 30 को मैं बी, सॉरी बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, तो साइन ए प्लस बी इसके इक्वल है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए मतलब साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 इंटू कोस बी, मतलब कोस बी का मतलब होगा कोस 30, कोस 30 किसके इक्वल होता है 1√3/2 के, प्लस कोस ए किसके इक्वल है, कोस ए है 45 के यानी 1/√2 इंटू साइन बी मतलब साइन 30 यानी ए 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम आया 2√2, ठीक है, ऊपर क्या है 3 प्लस का 1, ठीक है। ऑप्शन में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 और 2 कितने होते हैं 2, और 2 की फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, तो यानी बी ऑप्शन मेरा सही आंसर है।